हेलो हाय। तो मेरा नाम उत्कर्ष श्रीवास्तव है और पिछले 1 साल से सुबह जल्दी जाग रहा हूँ। मैं जल्दी जाग रहा हूँ मतलब सुबह 5 बजे जाग रहा हूँ। तो पिछले साल से इस साल में मैंने कुछ बदलाव फील किए हैं, बदलाव चेंजेस चेंजेस फील किए हैं। तो वो चेंजेस क्या है मैं बताऊंगा आपको, बट उससे पहले एक सवाल है यार मेरे दिमाग में और शायद आपके दिमाग में भी हो, तो उसका आंसर पता करते हैं। तो करते हैं फिर। डैडी मेनू टट्टी नहीं आ रही। ओए तू सुबह 5 बजे उठ के तो देख। मॉर्निंग्स आर सपोज टू गेट अप एंड वर्क, राइट? आई डोंट नो फ्रॉम वेयर यू कम फ्रॉम एंड से दैट दैट यू डोंट वर्क। आई थिंक इट्स अ वेरी ओल्ड सेइंग कि रात को जल्दी सोता है आदमी, दिन में जल्दी उठता है। जो रात को जागते हैं वो उल्लू होते हैं। व्हाट टाइम यू स्लीप के लिए सबसे अच्छा है कि सुबह जल्दी उठ करके पार्क जाया जाए और जा करके कुछ वॉकिंग करी जाए, योगा करा जाए। 4 o'clock in the morning I wake up, have my caffeine. 4 o'clock in the morning. 4 o'clock in the morning. But by the way, that's the magic hour. तो क्यों क्यों लोग इतना एम्फेसिस कर रहे हैं सुबह जागने को लेकर? मतलब क्या सुबह जागने से कुछ बदलने वाला है क्या? तो पता करते हैं यार कि क्या बदलने वाला है। तो एक कहानी है मनु की, मनु हमारा कैरेक्टर। तो मनु ने सोचा क्यों ना जल्दी उठा जाए इस बार। तो मनु ने सुबह जल्दी का अलार्म लगाया और जल्दी सो भी गया। फिर क्या था, अलार्म बजा, अलार्म बंद किया और फिर सो गया। अलार्म बजा, अलार्म बंद किया और फिर सो गया। बेचारा मनु डिप्रेस हो गया, बट उसने एक दफा और ट्राई किया। अब सुबह 4 बजे क्या करना था पता नहीं था। सोचा कि गेम खेले, बट नहीं। तो व्हाट्सएप चेक किया, बट कोई ऑनलाइन नहीं था। तो फिर क्या था, मनु वॉक पर गया। उसने कुछ बेहतर फील किया, कुछ अलग फील किया। स्विमिंग ज्वाइन कर ली, अच्छा खाने लग गया। ऐसे ही ओवर टाइम मनु बदल गया। तो यार सुबह उठना एक पहला स्टेप है, बट उसके बाद जो आपके साथ होता है वो कुछ ना कुछ आपको बदल देता है। तो पता करते हैं यार कि पिछले साल से इस साल में मैंने क्या बदलाव फील किए। ओके, तो जो ये आपको दिख रहा है ये पिछले साल का मैं हूं और ये बिल्कुल इसी साल का और अभी का मैं हूं। तो कुछ हल्के फुल्के चेंजेस आप देख रहे होंगे। तो पहला पॉइंट है हेल्थ। यार आपकी हेल्थ बड़े अच्छे से सुधरेगी, क्योंकि जो हेल्थ है वो रिलेटेड है सुबह उठने से। हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सही से काम करने लग जाती है। हमारे उठने का टाइम, सोने का टाइम, हमारे फ्रेश होने का टाइम, हमारे खाने का टाइम, हमारे पीने का टाइम, सब कुछ अपने टाइम पे आ जाता है। तो हमारा डाइजेशन ऑन एंड ऑल सुधर जाता है। तो डाइजेशन सुधरेगा, आपकी हेल्थ अपने आप सुधर जाएगी। तो पहला पॉइंट तो हेल्थी है। रिजल्ट्स, आपकी ग्रेड्स, आपके पढ़ाई, ये सब चीजें इवेंचुअली बेहतर होती हैं। क्योंकि क्या होता है, जब आप सुबह उठते हो तो कंसंट्रेशन लेवल जो होता है ना बहुत हाई रहता है, तो बेहतर रिजल्ट्स होते हैं इवेंचुअली। वैसे मैं बहुत बिलीव करता नहीं हूँ ग्रेड्स में और ये सब चीज़ों में, क्योंकि मेरे कभी आए नहीं। मेरे बचपन से अराउंड बहुत खराब, आई मीन लाइक 5.1। तो बट सुबह उठने वाले इंसिडेंट के बाद लाइक मेरे ग्रेड्स कुछ इस सर से ऐसे चले गए। अगर आपको कुछ विश्वास नहीं हो रहा है मेरी अजीब सी बातों पे, तो कमेंट डाउन बिलो कि सबूत दे यार, मैं अपने सारे सेम की मार्कशीट अपलोड कर दूंगा और आप देख सकते हो फिर कि कितना कुछ चेंजेस आए, है ना। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करता है यार, क्योंकि आज के जमाने में जहां लोग रात 4 बजे तक टिक 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 मोबाइल में बिजी हुए पड़े हैं, आप सुबह 5 बजे जाग रहे हो कुछ करने के लिए, कुछ शायद बेहतर करने के लिए। ये आवाज सुन रहे हैं आप, ये आवाज डिस्टर्बेंस की है। तो ठीक है, तो सुबह आप, हाँ तो सुबह 6 बजे आप, 5 बजे आप कुछ बेहतर करने के लिए उठे हो, तो कॉन्फिडेंस लेवल इवेंचुअली इंक्रीज करता है। या फिर मैं कहूँ इस दुनिया में प्रॉब्लम रावण नहीं है, प्रॉब्लम कुंभकर्ण है, यानी हमारी नींद है। अगर आप नींद पर काबू पा लोगे ना तो ओके। तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यार, क्योंकि बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आप कुछ कुछ अलग करोगे बाकियों से तो अच्छा रहेगा। सुबह 4 बजे जागोगे तो क्या करोगे सुबह 4 बजे से 10 बजे तक?
तब तक शायद बहुत सारे आपके दोस्त उठेंगे, उठे हुए भी नहीं होंगे, तब तक आप अपना सारा काम खत्म कर सकते हो, आप घूमने जा सकते हो, रनिंग कर सकते हो, किसी को घुमा सकते हो, स्विमिंग जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यार। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है और मेरे ख्याल से वन ऑफ माय फेवरेट है, क्योंकि मैं सुबह उठकर कुछ ना कुछ अजीब सा काम करता हूँ, कुछ अलग करता हूँ, तो आप ये सब कुछ कर सकते हो। ओके, तो बस इतना ही यार। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, वो ये है कि यार कुछ अच्छा करो किसी के लिए, कोई किसी ना किसी के लिए अच्छा करो, क्योंकि अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। तो अच्छा करो यार, लाइक दिस वीडियो, ठीक है, लाइक करो, मस्ट लाइक करो, और कमेंट करो कि वो हाउ वीडियो तुम्हें कितना ईगरली चाहिए कि कैसे उठना है, और सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि नया हूं मैं, प्लीज सिंपथी में ही सही, सिंपथी देकर ही सब्सक्राइब कर दो, बट कर दो। ओके, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम utkarsh_shrivastava1, शायद ऐसे ही कुछ यूजर नेम मेरा यहीं कहीं लिखा होगा, और फेसबुक पे भी उत्कर्ष श्रीवास्तव के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। तो बस